नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राजनीति, अपराध तथा सामाजिक जगत से जुड़ी हुई खास खबर। पीलीभीत के थाना बीसलपुर के ग्राम जोगीठर गांव से पारिवारिक कलह के चलते युवक और युवती ने फांसी लगा कर आत्महत्या करने का मामला सामने आया, जिसमें युवती ने पहले फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसकी सूचना युवती के परिवारजनों को पड़ी तो परिवारजनों द्वारा ससुराल पहुंचकर ससुरालियों की जमकर मार पिटाई कर दी, जिससे क्षुब्ध होकर युवक नेम भी पी रात बीपी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दोनों की मौत से इलाके में सनसनी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें, मामला कुछ यूं है कि मृतक सतपाल और मृतक युवती अनीता की शादी पिछले 2 साल पहले हुई थी। मंगल को बार को दोपहर 3 बजे के लगभग मृतक अनीता देवी ने पारिवारिक कलह के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जब इसकी सूचना मृतक सतपाल के घरवालों ने अनीता देवी के घरवालों को दी तो अनीता के घरवालों ने गुस्से में आकर सतपाल सहित पूरे घरवालों की जमकर पिटाई कर दी और घर पर तोड़फोड़ की, जिससे क्षुब्ध होकर सत्यपाल ने मंगल बार देर शाम फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक और युवती ने एक एक कर हत्या कर लेने से इलाके में सनसनी मच गई, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं दूसरी ओर अनीता देवी के परिजनों ने जब मृतक सतपाल की मौत की सूचना मिली तो अनीता देवी के परिवारजनों ने अपना बचाव करते हुए अनीता देवी के मौत के कारण दहेज बताते हुए दहेज प्रथा का मुकदमा दर्ज करा दिया। अब मुकदमे में बताया कि शादी के दौरान सतपाल के घर वालों ने 10 लाख रुपये की मांग रखी थी, जिसमें हमारे द्वारा 8 लाख ही दिए गए और 2 लाख ना दिए जाने पर सत्यपाल उसके घरवाले लगातार अनीता देवी को परेशान कर रहे थे, जिसके चलते अनीता देवी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सत्यपाल के घरवालों ने भी अपनी तरफ से अनीता देवी के परिवारजनों के खिलाफ लिखित तहरीर दी है। क्या हुआ था आपके? गए है मई के का, मई के गए है मई के से आए कल दुखारी आए के बेगर लेटे बैठे। उसके बाद में फिर धान भीजे थे, धान उनने एक मिलाई दे तो उनने एक मिलाई दे लड़का जो है देखे डांटो थोड़ो तो उनने गई नीचे। उसके बाद में जाके उनने नीचे जो है चिड़िया बंद करके फांसी लगाई ली। फिर उन्हें उतारो, फिर मैके बारे में फोन करो, मैके बारे आए आए कुन्ने मारो पीटो, फिर वे हमारे बहन उतर पकड़ ले गए, फिर ले जाए कुन्ने मारो पीटो, मार पीट के उन्हें लटकाई दो, मार के और बस चले गए। क्या हुआ था आपके लड़के को? ये लड़का कल ससुराल से आए, दोपहर में ससुराल से आए तो जे घर इनकी बीवी तो लेट बैठ रही, इनके पापा धान लेके आए दोपहर में तो हमने कहीं धान लाओ भेज दे, धान हमने भिजाए दुई बत्तन अनु तीन में भिजाए तो इन्हें दुई के धान एक ही बामे कर दे पलाटम तसलाम एक ही में कर दे तो इन्हें इनसे कही कि हमने एक ही तसलाम कर दे मम्मी धान भिजाई है तीन थी। तब लला ने हमारे कही तो ना मालूम तो तू देख ही लेती महीन मोटो एक ठीक तूने बेकार कर दे तो इनके दिमाग कमाई हुई है कई बारह सही को धान वाओ तूने एक ही में कर दे तो इन्हें अगल अगल फेर करके धरते फेर करके दद्दा है तई हम आइए तो हमारे लला बोले अम्मा जाने धान है कहीं मिले दे तो उन्हें मिले दे तो ठीक है गो। अब जाए पापा लाए तो थोड़ा बहुत पापा हमसे कहीं है जलब लाए कोई बात ना है इनने अपने तई हमारे लला नीति कही अम्मा धान तुम अगल अगल दबियो अब धान जब जमाएंगे और गड़ाएंगे तई इन्हें कहीं मामा ही दिखाए हैं हम मजले बान को जे ना मनती है ना मान है इतनी बात उनके कोई दीमा कमाई कि हमारे मामा जी दिखावेंगे धान गड़े हुए उनने हीन से उतरी हम तीन दोनों जने हीने लेटे बीच में ललो सोती उनकी दोनों जने बेड़ा बेड़ा खटिया पर लेटे हम हीन से जूठने की बाल्टी लेके नीचे चले हम अपनी नादे करने लला चले गए। इनने कहा काम करो कमरा की किबरियाँ अपनी लगाई दो शटर बंद कर लो। हम नाद करके आए हमने कही हमें लोटा दे दो दूध दे ला हमें लोटा में दूध धरो फिर जम्बो निकाल लो हमें दे दो इन्ने किबरियाँ नहीं खोली नाय बोली भैया हमने हमारे लला नीचे उतर गए लला ने हमारे टेरो नाय बोली हमारे लला बेंडू माई देख लगे यही बता लो ने उनके लला मई के बाद फोन करो हमें जा बात पता ना ही हमने कही लला उतार ले उगर कही जी बची जाए
वे तो ऊना आए बची उनके मई के बारे आए बस माते ही माते चले उन्हें फारे लाए डंडा लाए सबको उनने माते ही चले आए हमारे ललाई पकड़ी गलो धम धम धत्ती मारा है घूसा मारा है पेटा मारे हैं खपड़ी मारा है उनने हमारे ललाई उनकी मौसी ने डंडा दी तीन मारे उनने सबई नहीं मारो हमारे लला का तई बेहोश हुई है बोले सासों को माराओ सासों की दशा खराब कराओ उसके बाद में इन हमारो सब नीचे से ऊपर तक हमें सबने लिखा दो कहीं तुम्हें सब मारे तो रहेंगे बहुत अब तुम्हें पुलिस वाले ले चले जाए हम भैया हमसे कहीं यहाँ यहाँ हुआ हमारो नीचे से ऊपर उनने सब खोल लो गाँव वाले कोई जबरे नए बड़े उनने किबरियाँ घुमाई लें उनने ऊपर नीचे से लाए कि ऊपर तक हमारो सब निकाल लो सोने चांदी को मार लो जितो हमारो सब निकाल लो हमारी बालकी कहीं नहीं धरो बहू लई है लड़की कुछ हो चीज घुमाओ हो हमारे इतने सवाए से बहू लई है टूटू में सोने की लगड़ी आगे एक लड़ी सोने लड़का कैसे मारा और लड़का का हमारे उनने जाए कही कि जाके हम सवेरे हो तो संग इन्हें मुक्त कराएंगे जाकर हम लटक आइए कि जाएंगे फांसी लगाएगी हमारे लला पता ना है उनने कैसे करके कहाँ पकड़ लाए लला हमारे लेटन सेलर चले गए हमने लला हमें जाए ना कही पाई लला सेलर मती लिटी उनने कही हुए हम सेलर पर लेट रहे जाए बे होने को दाएँ बाएँ लगे गाड़ी तो ठाणी ही जाना है पता जा कही पुलिस गाड़ी हुए बराई तो राय तुम्हारी पुलिया तरह गाड़ी ठाणी देखी मगर जा ना देखो लला हमारे जो फांसी लगाई जा तो बैरासी कुंडी लगाई जब लला का देखो है उसका कहाँ करा लेना गए ना दे करने के लिए तो किस उनकी बढ़िया खोली तो देखो पति पत्नी ने फांसी लगा रहा समस्या हुई है क्या मामला है ये रात जोगी ठहर में अनीता देवी के जो मायके के पक्ष था उन्होंने एक दहेज हत्या की तहरीर दी जिसमें उन्होंने 6 लोगों को नामजद किया था उनका मुकदमा पंजीकृत कर ओडी पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई अभी सुबह में पूछा थी उसके पति ने आत्महत्या कर ली है उन्होंने भी एक तहरीर दी कि ऐसे जो परिवार वाले थे उन्होंने इसके साथ में मारपीट की थी उसी से छुप धोकर उसने आत्महत्या कर ली इनका भी तहरीर है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है पंचनामा भरकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया एबी न्यूज में खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त विनय पाठक को दीजिए इजाजत हम फिर मिलते हैं नई खबरों नए सफर के साथ लेकिन चलते चलते गुजारिश विनती अनुरोध कि आपके आसपास कोई घटना घटित हुई है या फिर कोई समस्या है और आप उसे एबी न्यूज तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं नमस्कार